सुप्रभात साथियों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अन अकेडमी शिक्षा। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आप सभी के समक्ष हम फिर से हाजिर हैं दैनिक समसामयिक की और सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण सत्र लेकर। साथियों, कुछ यहां पर टेक्निकल कारण था जिसके कारण थोड़ा सा ये विलंब हुआ और जल्दी से हम अपने सेशन की तरफ रुख करते हैं। आई होप आप सब यहाँ पर आ गए होंगे। ज़रा सेशन को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सूचित कर दीजिएगा मित्रों को कि क्लास स्टार्ट हो गई है, लेट्स जॉइन द सेशन, ये ज़रा सूचित कर दीजिएगा। सो जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 26 जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण समसामयिकी से। दोस्तों, आज 26 जुलाई है। आज 26 जुलाई को आप जानते हैं हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। लगभग 22 साल पुराना ये युद्ध था कारगिल। कश्मीर की वादियों में -62 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ये जो युद्ध लड़ा गया है हमारे वीर सैनिकों द्वारा, ये पूरे विश्व प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई लड़ाई है। तो आज हम उन सबको श्रद्धांजलि भी देना चाहेंगे इस सेशन के माध्यम से। जितने भी हमारे मार्टियर्स हैं, जितने भी हमारे शहीद हैं जिन्होंने अपना लहू गंवाकर, अपनी जान गंवाकर देश की रक्षा करी है, हम सबकी सुरक्षा करी है, उन सबको शत शत नमन। एक बार सब जय हिंद जय भारत लिखकर उन सबको श्रद्धांजलि दे दीजिएगा। जल्दी से उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं साथियों, क्योंकि यहां पर इतना कितना भी उनको हम याद करें कम है, क्योंकि जो बलिदान उनका है वो बलिदान कोई दे ही नहीं सकता है। चलिए, सो यहाँ पर कौन कौन आ गया है। मीनाक्षी शर्मा, क्लास ये होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल क्लास होगा। यस, सो नाउ वी स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं साथियों, और यहाँ पर कुछ कारणवश लेट हो गया थोड़ा। सेशन में हम आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ करेंगे साथियों, MCQ करेंगे, GK और एक्स्ट्रा फैक्ट्स करेंगे, मैप बेस्ड न्यूज़ करेंगे साथियों, ठीक है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस। जल्दी से आप सभी मित्रों ज़रा शेयर कर दीजिएगा और स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यूज़ एनालिसिस साथियों। साथियों, आज की जो स्पेशल क्लासेस है जो अन अकेडमी की ऐप पर आपको रोज़ करवाया जाता है, उसका शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। आज 11 बजे पूरी वीक का करंट अफेयर हम आज करेंगे टेस्ट। तो आज आप सभी का 11 बजे है टेस्ट वीकली करंट अफेयर्स का। GK और GS जो सुपर टेट, UPTET, KVS और DSSSB में आता है, रात को 9 बजे GK GS आपको देखने को मिलेगा। साइंस आपको 10 बजे देखने को मिलेगा, सोशल साइंस आपको 11 बजे देखने को मिलेगा। ये हमारा आज का सेशन है, ठीक है, आज की स्पेशल क्लास का शेड्यूल है। इसे आप नोट कर सकते हैं और इसे नोट करके अपना रेडी रहिएगा इतने बजे स्पेशल क्लास शेड्यूल। क्लियर? अगर मैं फ्री वर्सेस प्लस की बात करूं तो यहां पर आप जानते हैं प्लस पे अत्यधिक फीचर्स है, अत्यधिक कोर्सेज आपको अवेलेबल है, मैक्सिमम कोर्सेज आपको अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज आपको मिलता है, बैच कोर्स आपको मिलता है, और वर्तमान में जो अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन प्लान्स है वो बहुत ही सस्ते, बहुत ही अफोर्डेबल है। 699 और 899 में आपको 6 मंथ्स और 12 मंथ्स का मिलेगा सब्सक्रिप्शन। लाइव शर्मा कोड इस्तेमाल करके साथियों आप पूरे 6 महीने का और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इस पर एडिशनल 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं, ठीक है। और यदि आप DSSSB सुपरटेट KVS के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं। यहाँ पर भी लाइव शर्मा कोड इस्तेमाल कर आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं साथियों। क्लियर? AIIMKVS PRT बैच शुरू हो रहा है 28 जुलाई से और आज शाम को 5 बजे हम 26 जुलाई यानी आज शाम को 5 बजे हम आप सबसे मिलेंगे, रूबरू होंगे हम आप सबसे आज, ठीक है साथियों। इसके रिगार्डिंग हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस बैच का, महासम्मेलन होगा आज 5 बजे। सर गोल्ड मेडल, हाँ गोल्ड मेडल प्रिया मलिक ले आई है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हमारे जो एथलीट्स हैं हमें गौरवान्वित कर रहे हैं, हमारे एथलीट्स लगातार हमें गर्व की वो जो भावना है वो बिल्कुल हमारे अंदर आती है लगातार, और इन एथलीट्स को शत शत नमन है। इन एथलीट्स को
लगातार प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का ये रहा ठीक आपके सामने, बताइए गोल्डन राइस, गोल्ड मेडल की बात तो हो गई, अब गोल्डन राइस की बात करेंगे। गोल्डन राइस जिसे अनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, किस देश द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मंजूरी दी गई है, कौन सा देश इसका कमर्शियल प्रोडक्शन करेगा जिसको परमिशन मिल गया है, ये देश फिलीपींस है, चाइना चीन है, इंडिया है या ईरान है। करिए जरा इसका उत्तर, देखते कितने प्रतिशत लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। यस, सो यहां पर किनका बर्थडे आज, अरे लक्ष्मी शर्मा, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू बच्चे, एंड आई विश यू ऑल द वेरी सक्सेस फॉर योर लाइफ। जल्द से जल्द आप एक अच्छे सरकारी पद पर लाभान्वित हों, सरकारी पद पर आप नियुक्त हों। ऑलराइट, सो भारतीयों ये है हमारा फिलीपींस, ना इंडिया है ना चाइना है, ये फिलीपींस है। सिर्फ शिवानी ने सही उत्तर दिया है, वरना मैं देख रहा था किसी ने यहाँ पर अब तक सही उत्तर नहीं दिया, सब इंडिया इंडिया। भाई इतनी देश प्रेम की भावना थोड़ी ना कि गलत उत्तर दे दोगे, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए पर गलत सही उत्तर का ध्यान रखना है। तो ये परमिशन मिला है फिलीपींस को, साथियों किसको मिला है, फिलीपींस को। फिलीपींस विश्व का पहला देश बना है जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस, ठीक है, जो एक अनुवंशिक रूप से संशोधित है, इसका कमर्शियल प्रोडक्शन यानी वाणिज्यिक उत्पादन करने का परमिशन मिला है साथियों, ठीक है। आइए देखते हैं फिलीपींस के बारे में जानते हैं। जो गोल्डन राइस है साथियों, पहली बात तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, आप जानते हैं GMC का कितना यहाँ पर वाद विवाद रहता है, और गोल्डन राइस आने से एक तो खाने की कमी जो है वो पूरी होगी, ऊपर से एक बचपन का जो अंधापन है, जो नाइट ब्लाइंडनेस है, इन सब से भी आप देखेंगे छुटकारा पाया जाएगा। तो बच्चों के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस जो गोल्डन राइस है बहुत होगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि ये निर्णय पूरी दुनिया के लिए विकासशील क्षेत्रों में बच्चों का जो जान है जो जा रहा है, जो उनको खाने की कमी से, मैल न्यूट्रिशन से जो उनकी जान जा रही है साथियों, वो वहां पर नहीं होगा, तो उसकी पूर्ति करेगा, यानी ये एक सकारात्मक कदम है साथियों। तो गोल्डन राइस को यहाँ परमिशन दे दी गई है और फिलीपींस इसका करेगा उत्पादन। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के कृषि विभाग ने फिलीपीन को यह मंजूरी दी है। तो फिलीपीन को मंजूरी देने वाला कौन सा संस्थान है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साथियों, ठीक है। फिलीपींस देखते हैं, ये रहा फिलीपींस आपका मैप, ठीक है। फिलीपींस का सबसे ज्यादा आबादी वाला जो द्वीप है वो लुजोन है, जो उत्तरी द्वीप है, जो उत्तर में है। एक तरफ आप साउथ चाइना सी देखोगे जो विवाद में है, दूसरी तरफ आप फिलीपींस का समुद्र देखोगे जो इतना विवाद नहीं है, ठीक है। फिलीपींस के नाम पर साथियों एशिया का नोबेल प्राइज भी दिया जाता है, बताइए एशिया का नोबेल प्राइज किस प्राइज को कहा जाता है, किस अवार्ड को कहा जाता है, तो मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस की सरकार स्पॉन्सर करती है, रमन मैग्सेसे के नाम पर, अरविंद केजरीवाल, सोनम वांगचुक और हाल ही में रवीश कुमार। नोबेल प्राइज रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन सी कंट्री देती है, बर्निंग क्वेश्चन है, तो फिलीपींस की सरकार देती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। वीडियो सूर्य वीडियो क्लियर है या नहीं है, ओके वीडियो थोड़ा अटक रहा है साथियों, वीडियो अटक रहा है क्या, ऑल क्लियर, एक बार बता दो सब सही है, सब सौंछे, बीच बीच में अटकता है, हाँ बीच बीच में अटकता है साथियों, बीच बीच में अटकेगा थोड़ा तो चिंता मत करना, वो ठीक हो जाएगा, क्लियर। सो यहाँ पर आप गोल्डन राइस नोट करके फिलीपींस जान लेंगे, क्लियर, एब्सोल्युटली करेक्ट।
चलिए फिलीपींस के साथ ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो FATF है फिलीपींस को ग्रे लिस्ट में शामिल करा हुआ है, जो कि फिलीपींस के लिए एक अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में शामिल है और फिलीपींस भी। फिलीपींस सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला पहला देश बना है जिसने सारे फाइनेंशियल मार्केट को निलंबित कर दिया है। लुजोन वाला द्वीप है जो फिलीपींस के नॉर्थ में स्थित है, ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखिए गोल्डन राइस फिलीपींस, एब्सोल्युटली करें। जय महाकाल, जय श्री कृष्णा। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है, आपको बताना है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किसे नामित किया गया है। हु हैज बीन नेम्ड एज द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021। बफरिंग हट गया होगा। एनी हैप्पी मंडे आपको भी? अभी भी बफर हो रहा है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एवरीवन। यहाँ पर बफरिंग का इश्यू बहुत देखने को मिल रहा है।